गांव के लिए काम किए हैं, हम आपको ये बात बता रहे हैं। हम भी रहते हैं स्लम बस्ती में, आप जाके देखिए दारू जो बनता है, कितने लोग प्रताड़ित होते, सब महिला है। तो नीतीश कुमार जी तो बोलते कि हम दारू बंद कर दिए, मगर पाँच रुपये के सामग्री से इतना गंदा घटिया दारू बनता है कि लोग मरते हैं। जो डोमिनेटेड जात होगी, जिसकी परसेंटेज ज्यादा होगी, जिसका राजनीति में ज्यादा लोग होंगे, वो डोमिनेट करेगी कि नहीं करेगी। मुसा टोली में जाके देखिए, शाम को विजिट कीजिए, देखिए वहाँ क्या शराब बनता है और कैसे शराब बनता है और कैसे लोग मरते हैं। 70 साल हो गए आजादी में, अभी तक कुछ जान नहीं पाया है कि कौन गरीब है कौन अमीर है। आप श्रम बस्ती में जाइए, सब महिलाओं से मिलिए और महिलाएं क्या बोलती है आप देखिए सुनिए। कितनी सारी महिलाएं विधवा होकर बैठी हैं शराब के चलते। नमस्ते, नाम मेरा आदित्य है और आप द पंचायत देख रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी गांधी मैदान गेट नंबर 12 के सामने है और यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। क्यों आंदोलन किया जा रहा है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे और समझेंगे आखिर मसला क्या है, ये लोग आंदोलन क्यों करने के लिए सड़कों पे आए हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? गणेश कुमार। कहाँ से हैं? हरनौत से, नालंदा जिला से। नालंदा से क्यों आए हैं गांधी मैदान में आप? हम लोग देखिए न्यूज वगैरह में देख रहे हैं कि जाति बनाया गया है और उसके नीचे उपजाति की लिस्ट दिया गया है। यादव में कुछ उपजाति, कुर्मी में उपजाति, हम धानुक जाति से हैं जिसको कुर्मी के उपजाति में दिखाया गया है। असली मैटर क्या है हम नहीं जानते, लेकिन जो न्यूज में दिखाया जा रहा है उसके आधार पर हम लोग असल में धानुक जाति हैं, उपजाति नहीं है। और हम लोगों का ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है, कुर्मीकरण करने का प्रयास कर रही है सरकार, ताकि कुर्मी की आबादी 10% 12% 20% दिखा सके, जबकि हमारी आबादी ज़्यादा है उनसे। तो ये जो प्रयास है सरकार का, धानुकों को कुर्मीकरण का जो प्रयास है, गलत इरादा जो है, ताकि वो कुर्मी और यादव एक बड़ी संख्या में उभर के आएँ उसके बाद राजनीति करें, तो इसके खिलाफ है। जाति का गणना करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके मंसूबे जो हैं वो सही रखें। सारी जातियों का जो है सही से आकलन करें। कुछ जातियां जो छोटी हैं और कुछ जो नीचे वाली जातियां हैं उन लोगों को विलोपित करके कुछ ऐसा समीकरण ना बनाए और अपना राजनीतिक सिक्का क्यों किया जा रहा है? ये राजनीतिक सिक्का चमकाने के लिए, उनके पास आंकड़ा होगा। तो जातियों के आधार पर बांटा जा रहा है क्या? जातियों में कई भाग, मतलब जाति, देखिए जाति तो सामाजिक रूप से हम लोग बटे हुए हैं ही, लेकिन अगर उसको राजनीति उसमें घुसता है तो जो अंदर जातियों में जो द्वेष बनता है या आपस में जो कलह बनता है, अब सुनते होंगे कुर्मी यादव में कहीं कहीं कलह रहता है, आज मिल गए ऊपर भले, लेकिन जो नीचे से जो कलह है, जो आपस में दुश्मनी है वो आज भी है। तो ये सब जो है जाति जनगणना करना आपस में कलह फैलाना भी है। जाति जनगणना आपस में कलह फैलाना है कैसे? आपस सही सी बात है, अगर वैसे जाति जनगणना कराने से तो पता चलेगा नहीं कौन सी जाति कितनी संख्या है। ठीक है, संख्या पता चल गया, लेकिन जो डोमिनेटेड जात होगी, जिसकी परसेंटेज ज्यादा होगी, जिसका राजनीति में ज्यादा लोग होंगे, वो डोमिनेट करेगी कि नहीं करेगी? अच्छा, आपके पे डोमिनेट करेंगे? क्यों नहीं करेगी? आपके कहने का मतलब ये है? हाँ, राजनीतिक रूप से पॉलिटिकल जाति जनगणना गलत है, उसका पॉलिटिकल इस्तेमाल होगा। क्या उसी के विरोध में आप लोग आंदोलन कर रहे हैं क्या? एकदम कर रहे हैं। अप्रत्यक्ष रूप से हम कह रहे हैं कि हमारी जाति धानुक जाति को विलोपित न करें और ध्रुवीकरण न करें जातिगत आधार पे। क्या आपको ये नहीं लगता कि जब जाति आधारित जनगणना हो जाएगी उसी हिसाब से जितनी जिसकी भागीदारी होगी उसकी उतना उसमें भागी हिस्सा होगा, तो क्या सही नहीं है क्या ये? आप ही बताइए, 3000 साल तक जो है भारत की सभ्यता पे ब्राह्मणों ने राज किया, उससे उसके बाद बौद्ध धर्म और वो धर्म जो है जैन धर्म उससे निकला, हिंदू धर्म से। तो कहीं ना कहीं जो ज़्यादा पावरफुल होता है, जो राजनीति में ज़्यादा लोग होते हैं, तो वो डोमिनेट करते हैं, वो फायदा उठाते हैं। सही अगर मकसद से सब काम हो तो 70 साल लग गया, अभी तक गिनने का जरूरत है सरकार को? 70 साल हो गया आज़ादी में, अभी तक कुछ जान नहीं पाया है कि कौन गरीब है कौन अमीर है, क्यों कौन जाता है। कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा, समझते हैं। क्या नाम है आपका? सुनीता बिंद। क्या मकसद है आप लोग यहाँ पे आने का? देखिए मकसद हम लोग का है कि जो जाति जनगणना हो रहा है वो सही ढंग से हो और उसका मतलब जो भी जाति जनगणना करे सही ढंग से करे कि हर जात को लाभ मिले, समझे ना? तो जाति जनगणना होने पे ही पता चल पाएगा ना किस कौन जाति कितनी है। तो कौन जाति कितनी है उसमें भी जाति का 7 कुड़ी निकाल दे रहे हैं, एक जात का 7 कुड़ी निकाल दे रहे हैं। जैसे कि अभी हम बिंद समाज से हैं तो नोनिया बिंद बेलदार मला केवट और भी चाय वही जो है, तो इसमें क्या होता है ना जाति जनगणना इसमें हो जाता है कि बांट हो जाता है कि कोई निषाद। देखिए अभी हम जैसे आपको बता रहे हैं, हम जदयू में 10 साल से थे, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ में उपाध्यक्ष थे, समझे? तो अभी हम लोग इतने दिन से रह कर हम लोग को क्या मिला? हम लोग का जात बिंद है, क्या मिला हमको? तो आप
निषादों को दे रहे हैं। आपकी जाति और समाज के लिए काम नहीं किया जा रहा है? क्या काम किया जा रहा है आप हमको बताइए, क्या काम किया? नीतीश कुमार जी सिर्फ कर दिए कि हम सबको, हाँ शुरू में नीतीश कुमार जी का काम बहुत सराहनीय था, उसके लिए हम लोग उसी कारण हम लोग इस पार्टी में ज्वाइन किए थे। ठीक है, नीतीश कुमार जी की जब बात चल रही है, नीतीश कुमार पीएम के उम्मीदवार, मतलब लोग बता रहे हैं पीएम के उम्मीदवार है अगले साल, क्या देखिए हम इसमें क्या बोले, वो आप लोग भी समझते हैं, आप लोग समझदार हैं। क्या अगर नीतीश कुमार पीएम के उम्मीदवार होता तो आप वोट देंगी? अब आप लोग नीतीश कुमार महिलाओं के लिए काम किए हैं जी, महिलाओं के लिए काम किए हैं, हम आपको ये बात बता रहे हैं। हम भी रहते स्लम बस्ती में, आप जाके देखिए दारू जो बनता है, कितने लोग प्रताड़ित होते सब महिलाएं, तो नीतीश कुमार जी तो बोलते कि हम दारू बंद कर दिए, मगर पाँच रुपए के सामग्री से इतना गंदा घटिया दारू बनता है कि लोग मरते हैं, तो ये नीतीश कुमार जी कहाँ बंद किए हैं? लेकिन कहीं ना कहीं जो शराबबंदी थी मैडम, जो शराबबंदी थी आप ही लोग का देन था ना, आप ही लोग की वजह से शराबबंदी हुई थी ना, तो शराबबंदी हुई थी उसको सही ढंग से शराब को बंद करना चाहिए था। आप बोलते शराबबंदी है और दूसरी जगह भट्टी में जाके मतलब एकदम घटिया तरह से, हम रहते हैं जिस समाज से बिन्स में, वहाँ स्लम बस्ती है, हर एक महीना के बाद एक आदमी मरता है, पूछ लीजिए सब महिलाओं से। हाँ चाची बात सही है, सही है सर। जहरीली शराब अभी मिल रहा है क्या? टोली में आप जाइए देखिए वहाँ जाकर, और मुसा टोली में जाके देखिए, शाम को विजिट कीजिए, देखिए वहाँ क्या शराब बनता है और कैसे शराब बनता है और कैसे लोग मरते हैं। पीएचडी कैंप विधवा बन के बैठे हुए हैं सर, ये शराब के कारण विधवा, कितनी ऐसी शराब के कारण विधवा बन के बैठी है, हम क्या क्या बताएंगे आपको। आप आइए हमारे इलाके में, 8 नंबर वार्ड में रहते हैं, आइए शेखपुरा बिंटोली में घुसिए, उसके बाद हम दिखाएंगे आपको कि जो जो स्लम बस्ती में यहाँ क्या क्या होता है। पटना शेखपुरा में? हाँ पटना शेखपुरा बिंटोली में 8 नंबर वार्ड पीएचडी कैंपस है, हम वहाँ पीएचडी कैंपस में गए थे महिलाओं को लाने के लिए, शराब पी कर धूत होके निकल रहे हैं, महिलाएं बोल रही थी कि देखा दीदी ये ऐसे होगा, तो हम क्या बोले। अब जो भी कुछ है आप लोग समझ रहे हैं नीतीश कुमार जी काम बहुत अच्छा किए थे पहले, हम लोग इस यही सोच के हम लोग ज्वाइन किए थे, मगर अब उनके आगे पीछे अमचे चमचे सब गिर गए हैं, तो हम लोग वहाँ से, हम लोग समाज के काम के लिए हैं, हम पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं। आज यहाँ पे आने का मुख्य मकसद क्या था? मुख्य मकसद हम लोग का यही था कि जो आप ये काम कर रहे हैं इस काम को सही ढंग से कीजिए, जातीय जनगणना सही ढंग से कि हाँ सही ढंग से कीजिए, और महिलाओं को बोलते हैं कि हम बहुत महिलाओं के लिए काम किए, आप श्रम बस्ती में जाइए सब महिलाओं से मिलिए, और महिलाएं क्या बोलती है आप देखिए सुनिए, कितनी सारी महिलाएं विधवा होकर बैठी हैं शराब के चलते, नहीं है तो आप लोग भी रिपोर्टर आप लोग हैं, प्रेस रिपोर्टर आप लोग आके देखिए, और हमको हमारे एरिया में आइए, हमको बोलिए, हम बताते हैं आपको, मेरे बगल में 3-4 मोहल्ला ऐसा बस्ती है कि वहाँ यानी अभी भी शराब मिलता है आपका? हाँ, साफ मिलता है, हाँ हाँ बस, और वो भी बहुत घटिया माल का शराब मिलता है जिससे कि मरा है। चलिए ये समता पार्टी से है आप लोग? हम समता पार्टी, ये सभी समता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये लोग यहाँ पे पहुँचे हुए थे, बिहार में जो जातीय जनगणना हो रहा है उसके विरुद्ध में, उसके विरोध कर रहे हैं, इनका लोगों का साफ साफ कहना है कि वो भी चीज़ सही से नहीं करवाई जा रही है, जो जातीय जनगणना हो रही है उसको सही से करवाया जाए ताकि जो भी जिसकी जितनी भागीदारी है उसकी उतनी हिस्सा मिल सके, और कई कई लोगों का ये भी कहना है कि जातीय जनगणना करवा कर एक ही जाति को कई भागों में बांट कर सरकार गलत कर रही है, सरकार गलत करवा रही है। लेकिन कई कई महिलाओं से मैंने जब बातचीत किया तो उनका साफ साफ ये कहना है कि हमने जदयू में 10 साल दिया, हमने इस पार्टी में 10 साल दिया लेकिन मिला कुछ नहीं, शराबबंदी हम लोग के कहने पे हुई लेकिन शराबबंदी की वजह से आज कई कई महिलाएं, कई कई माताएं बहनें विधवा पड़ी हैं, विधवा हो चुकी हैं, वो बेचारी रो रही हैं, तड़प रही हैं, उनको कौन देखेगा, उनको कौन समझेगा, उनके बारे में कौन सोचेगा। तो साफ साफ महिलाओं का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं शराबबंदी जो है वो सफल नहीं है, शराबबंदी फेल दिख रही है, कई कई महिलाओं ने ये तक दावा कर दिया कि आप हमारी जगहों पे आइए, हमारे घरों पे आइए, हमारे मोहल्ले में आइए, वहाँ पे आके चेक कीजिए कि वास्तव में वहाँ पे शराबबंदी कितना लागू पूर्ण रूप से है। तो चलिए फिलहाल इस बातचीत में इतना ही, मेरा नाम आदित्य, आप द पंचायत देख रहे थे, आपको ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, लाइक्स कीजिएगा, कॉमेंट्स कीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।